आज मैं ना बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी एगलेस पैनकेक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना है, बनाना से ये रेसिपी तैयार होगी जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला पैनकेक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बाउल में लीजिए पूरा भर के 1 कप मैदा, इसमें जाएगा लगभग 3/4 कप चीनी। मैं आधा चीनी अभी डाल रही हूँ, आधा चीनी बाद में डालूँगी बनाना शेक के साथ। और फिर मैंने डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें यूज़ करेंगे वनीला एसेंस का। आपके पास अगर वनीला एसेंस है तो डाल दीजिए, नहीं तो इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। वनीला एसेंस डालने के बाद मैंने 1 केले को ना 1 कप दूध में अच्छे से घोल लिया था और उसका शेक बना लिया था। इसमें मैंने ना 4 चम्मच चीनी भी डाला था। तो आपको कुल मिलाकर 1 कप मैदे के साथ 3/4 चीनी का ऐड करना है, चीनी ऐड करना है। अब आप उसे आधा चीनी ऐसे ही ऐड करिए या बनाना शेक के साथ ऐड करिए, मतलब चीनी की कुल क्वांटिटी 3/4 होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप ध्यान में रखिएगा, इस बैटर की कंसिस्टेंसी ना फ्लोइंग होनी चाहिए, मतलब जब हम तवे पे डालें ना तो अपने आप फैल जाए, क्योंकि पैनकेक्स को फैलाना नहीं होता, वो खुद से फैलते हैं। और मैं यहाँ थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। बटर ऐड करने के बाद आप बटर को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो कि कैसी है, बिल्कुल जैसे डोसा का बैटर होता है ना वैसा है, ठीक है। तो अब एक मोटे तला का पैन ले लीजिए, क्योंकि इसे स्लो आंच पे पकाना होता है, मतलब लो आंच पे पकाना होता है। और आपको ना मोटे तले का तवा लेना होता है, क्योंकि इसे ना धीरे धीरे पकता है ना, अगर तवा का तला अगर पतला रहा ना तो वो नीचे से चिपक सकता है या जल सकता है, या फिर वैसा सुंदर सा पैनकेक वाला कलर नहीं आएगा। तो इसे फैलाना बिल्कुल नहीं है। मैंने 1 कलछी डाला और ये देखिए, ये अपने आप थोड़ा थोड़े देर में हल्का सा फैल जाएगा। और इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि हमने पहले भी बैटर में बटर डाला था। और जब इस तरह का आप देख रहे हो ना कि कैसे इसके अंदर छेद छेद से आने लगे हैं, जब पूरे केक के ऊपर इस तरह से छेद आ जाए ना, तब आप समझ लीजिएगा कि नीचे का हिस्सा पक गया है और उसे हमें पलट देना है। और मैं आपको बता दूं कि पैनकेक्स बनाने में मुश्किल से ना एक पैनकेक्स बनाने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का समय लगता है, मतलब 2-2.5 मिनट एक तरफ, 2-2.5 मिनट एक तरफ। और ये बहुत जल्दी पक जाता है और हमें लो आंच पे ही इसे पकाना होता है। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो क्या होगा, नीचे का हल्का जल जाएगा, बीच में कच्चा रह जाएगा, वो परफेक्ट नहीं बनेगा। केक्स धीरे धीरे ही पकते हैं। तो ये टेस्टी सा पैनकेक बिल्कुल तैयार है, आप इसे इंजॉय करिए हनी के साथ। इसके ऊपर चेरीज़, बेरीज़, चॉकलेट सिरप, जो मन करे वो आप डालकर इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।